नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। ये हेल्थ शो सिर्फ सुभाष गोयल का ही नहीं है, ये आप सबका भी है, क्योंकि आप सबकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शो की शुरुआत की गई है। आज आप देख रहे हो कि इस शो के अंदर हमारे साथ बहुत ही मजे हुए कलाकार, कमाल के कलाकार, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जो छाप छाड़ दिया आपके, आप सबके दिमाग के ऊपर एक छाप लगा दिया उन्होंने। और वो जो नाम है, वो जो फिल्म है इनकी, वो आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि अगर मेरे को इतना पता है तो आपको कितना पता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, प्रदीप रावत जी। प्रदीप रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, और आप जैसे हेल्दी लोगों को देख करके लोग कितने खुश होते हैं और लोग जीना चाहते हैं। तो आज आपको, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो किसी किसी को लगे कि यार हम भी जी सकते हैं, ऐसे 75 की उम्र में हम भी दिख सकते हैं। यार ये जल्दी कर रहे हो, 75 भाइयों, गोयल साहब को तो मजा आ इस मामले में। ऐसे जी सकते हैं जिंदगी को कि हर उम्र में हम 25 साल के नजर आए। ये ज्यादा सूटेबल है, दिस सूट्स एवरीवन, नॉट ओनली मी। वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर गोयल शो। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब में आके आपके साथ जी आज इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिला। मुझे अच्छा लगा कि आप पंजाब को इतना प्यार करते हो। पंजाब के अलावा गोयल को सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी गोयल उतने ही मशहूर हैं जितना कि कोई फिल्म एक्टर मशहूर होता है। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म एक्टर जो है ना जी, वो तो हमारे देश की एक चमक है, जिनको सितारे बोला जाता है। और जो ये वैद्य होते हैं, जो आयुर्वेद में काम करते हैं, वो इन सितारों को चमकने की शक्ति देने में काम करते हैं। सर ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चला। और ये जो हमारा औषधि है, अभी की इजाद नहीं है, वो तो ऋषि मुनियों के टाइम से चली, हजारों साल, बिल्कुल हजारों साल। हमारे देवताओं के भी वैद्य होते हैं ना, होते हैं। हमारे जैसे कितने आए वैद्य, कितने चले गए वैद्य, लेकिन उन वैद्यों के ग्रंथ आज भी मौजूद हैं जिन्होंने मानव सेवा के लिए काम। बिल्कुल सर, अब जैसे जैसे हम कहते हैं कि एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, कुछ चीजें ऐसी आयुर्वेद में दे गए हैं वो, जिनको हम रसायन बोलते हैं। जी, रसायन मतलब जीवन जीने की कला। वाह। नंबर एक उन्होंने दिया त्रिफला पाउडर। यस सर, रसायन है, जो खाएगा आदमी वो कभी भी 25 साल से ज्यादा बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात, यंग रहेगा। और चवन प्राश दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब चवन प्राश में भी बहुत सारी कंपनियां बिजनेस करने लगी। हाँ जी, हाँ जी। हम उन सबको हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अगर आयुर्वेद को जिंदा रखना है तो चवन प्राश को और त्रिफला जैसी चीजों को, ये रसायन जो चीजें हैं, इनको जिंदा रखिए। और ये जो है चवन प्राश साहब, इसको कहते हैं चवन ऋषि ने बनाया। जी, जी, जी। और 54 जड़ी बूटियां डाल के। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो ऐसी चीज है जो हमारे पूर्वज खाते रहे। जी, हाँ, एक जी। चम्मच सर्दियों में वो रात को खाते थे, ना नजला ना जुकाम ना कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जल्दी जल्दी सर, उसके बारे में आप, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि शुगर लेवल इतना बढ़ा दिया है, उन लोगों को जिनको थोड़ी शुगर के मामले में, एक तो विरासत में जिनको शुगर मिलती है उनको मिलती ही रहती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी है शुगर, तो वो च्यवनप्राश में इतना ज्यादा शुगर कंटेंट हो गया है कि जो औषधि है वो कम है, शुगर इतनी भर दी है। तो अभी हमारे जो वैद्य है उन्होंने उसको बना दिया शुगर फ्री। अच्छा। अब जैसे आमले की पिट्ठी में उसको तैयार करते हैं। अच्छा। और जहां उसमें चीनी डलती थी वहां पे उन्होंने डाला वो स्टेविया पाउडर। हाँ, स्टीविया। यस, स्टीविया जो है ना जी, वो बॉडी के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है। अच्छा। और मीठे की पूर्ति भी करता जी, है, स्वाद की पूर्ति भी करता जी, है। जी, जी, ये आप जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हो, आज रावत जी बैठे हैं तो बातों में बात आई है कि जो मीठी तुलसी बोली जाती है उसी को कहा जाता है स्टीविया। अब मीठी तुलसी का, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या आप खुद हो, तो एक मीठी तुलसी जो आती है उसका पौधा लाके अपने घर पे लगा लीजिए। जैसे लीव होता है, एक पत्ती एक फ्राई पैन चाय में डालकर पकाइए, आपको एक दो चम्मच चीनी का मजा आएगा। इतना मीठा हो देती है उसको, अगर पत्ती को मुंह में रख लो तो 2 घंटे तक मुंह मीठा रहता। अच्छा। इतना भगवान ने उसमें स्वीटनर दिया है, और वो भी बिल्कुल शुगर फ्री, कैलोरी जीरो। तो उसको डाल के च्यवनप्राश बनाया, उसका नाम दिया गया वैद्यवान
स्पेशल च्यवनप्राश फॉर शुगर फ्री फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो आज की डेट में शायद हमसे उतना बन नहीं पाता। इसका इसकी खुशी नहीं होती हमें, इसका बहुत दुख है कि हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट इतना हो गया है कि इतना ज्यादा शुगर फ्री चीजों की डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए बढ़ गई है कि शुगर है भाई, क्या करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जी जी, आपको लगता है सर इसमें हम इंडियंस बेसिकली या इंडियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो कार्ब्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन कम खा पाते हैं आदतन, बोलिए या पैसे के लिहाज से थोड़ा सस्ता पड़ता है कार्ब्स खाना पेट भरने के लिए, तो आपको लगता है कि कार्ब्स ज्यादा खाने की वजह से शुगर का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं डायबिटिक होने के? कोई भी ऐसी चीज है जिसमें फाइबर नहीं है वो नुकसान होगा ही होगा। अच्छा, अब जितनी भी चीज, अब जैसे बहुत सारे शुगर के पेशेंट है मिठाई छोड़ देते हैं, जी पता चला मीठा बंद, अरे भाई कौन कहता है, गुड़ तो खा लो थोड़ा, बॉडी में एनर्जी भी तो चाहिए जी। और साथ में गन्ने का रस पियो कभी कभी, जी, जी। कभी कभी पियो, मैं ये नहीं कहता डेली पियो लेकिन कभी कभी पियो, और कभी कभी मैंगो आते हैं वो खाओ, कभी एप्पल खाओ। फ्रूट तो कोई ऐसा है ही नहीं जो शुगर के पेशेंट को मना किया गया हो। अच्छा, आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा गया है कि अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मान लो आपका वजन 90 किलो है तो आप 900 ग्राम फ्रूट खा सकते हो। अच्छा, मतलब ये उस समय लिखा गया था जब लोग हजम कर लेते। राइट राइट। अब थोड़ा सा ये नहीं देखना कि 900 ग्राम बोल दिया 900 ही खाना है, जितना आप खा सकते हो, जैसे एक एप्पल ले लो या एक बनाना ले लो, राइट राइट, ऐसे एक एक फ्रूट करके डेली चेंज करते जाओ तो उससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, एनर्जी भी। यही सब सीखने के लिए, सुनने के लिए मैं आया हूँ जी। जी नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप शो में आए हो और आपको हम बड़ी देर से तलाश रहे थे जी। और लेकिन ये है कि आपसे आज ये चीज मैंने जाननी है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है जी, जी, जी। जो आपका एनर्जी लेवल है, अभी भी आप कह रहे थे रात के 11 बज रहे हैं कि पूरी रात शूट करेंगे तो ये जो टेक्निशियन लोग बता रहे हैं, ये जो एनर्जी है ये कहां से लेके आते, इसके अंदर थोड़ा सा आप बताइए ताकि हर पर्सन जो आपको लाइक करता है वो उसको जानना चाहे। सर एनर्जी तो ऐसा है कि जितनी एनर्जी लो अगर उसको एक्सरसाइज में तब्दील करके ताकत में कन्वर्ट कर लें, हाँ। तो सबसे मूल मंत्र तो देखिए सर वेट ट्रेनिंग है मूल मंत्र वेट ट्रेनिंग है। जब तक आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी मसल्स डेवलप नहीं होंगी, मसल डेवलप नहीं होंगी तो हड्डियों को नहीं पकड़ेंगी, ढीली हो जाएंगी, फिर वो गल जाएंगी, फिर ताकत खत्म हो जाएगी। एक बार ताकत खत्म हुई फिर दोबारा नहीं आती है, अनलेस आपके ऐसा कोई विद्वान मिल जाए और वो उसको एक खुराक दे दे और वो खुराक ठीक से इस्तेमाल करके फिर वेट ट्रेनिंग चालू कर दे। हमने ऐसे जो लोग हैं उनके लिए बनाया है एक एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। अच्छा जी, मतलब वो कैप्सूल हम कहते हैं जिसकी उम्र 40 से ऊपर हो गई, हाँ जी, और हमेशा थका थका रहता, हाँ जी, है, बिल्कुल सही बात, टूटा रहता है, तो उसके लिए बनाया एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। अच्छा साहब, एक कैप्सूल डेली खाना है, सुबह 11 बजे 10 बजे जब भी आपको ठीक लगता है। मैं तो कहता होता हूँ कि नाश्ता किया उसके बाद तुरंत वो कैप्सूल खाओ और दूध पियो, ऑफिस निकल जाओ। अच्छा, पूरा दिन बॉडी एक्टिव रहती है, एनर्जी रहती है, मसल स्ट्रांग रहते हैं, और आपकी जो ऊर्जा है जो हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर हर वक्त चुस्त रहे और चेहरे में चमक रहे, तो वो आप यकीन मानिए कि जो इंसान 6 महीने 1 साल तक उसको लेता रहता है, और बस इसमें एक ही फंडा है कि संडे को छोड़ना है। अच्छा, हफ्ते में एक दिन छोड़ दो ताकि हम अडिक्ट ना हो इसके। लेकिन ये आपकी अंदरूनी शक्ति, दिमागी शक्ति, मर्दाना शक्ति, हर तरह की बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिव कर देता है सेल्स को, और इंसान के अंदर चेतना बनी रहती है जिंदगी को अच्छे से जीने की। इसके कंटेंट क्या होंगे मोटे मोटे वाले, जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जैसे ना टेस्टोस्टेरोन क्या बढ़ाता है, वो बढ़ाता है शिलाजीत से टेस्टोस्टेरोन अप होता है क्योंकि उसके अंदर फुलबिक एसिड सबसे ज्यादा होता है। जी जी। और उसके बाद सफेद मूसली जी, वो बीरे को थिक कर देती है, अपने बीरज को थोड़ा डार्क कर देती है, थिक कर देती है, जिसको कहते हैं कि उसको थोड़ा गाढ़ा बना देती जी। है, तो उसके अंदर फिर स्पर्म काउंट स्ट्रांग होता है जी, जी। तो साहब जी उससे क्या होता है कि इंसान का ब्लड और बीरज की क्वालिटी जी डिसेंट हो जाती है, और हर उम्र में और जिसके शरीर में बीरज स्ट्रांग है वही तो विषम पितामह है। लेकिन ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया है
पंजाब में किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के मांगो कि कोई एनर्जी बूस्टर दे दो यार, वो कहेंगे ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें अगर हमने गोल्ड भस्म लिखा है ना तो कहीं भी टेस्ट हो जाए वो निकलेगा। अच्छा। मतलब जो डाला है वो सफेद मूसली सालम पंजा जायफल जवित्री कौच बीज और उसमें अश्वगंध शतावर शलज सारी चीजें डाल के साथ में गोल्ड भस्म की प्रेपरेशन दे, ये पूरा आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं ना जी, इंग्रेडिएंट उसके ऊपर, और हम लोगों को एजुकेट करते हैं। जैसे आप बैठे हो मेरे सामने, मैं कहता हूँ एक्स प्लस को मत पढ़ो, ये तो नाम है इसमें क्या डाला हुआ है जी, कंपोजिशन देखो। हाँ जी। और कंपोजिशन में अश्वगंध लिखा है उसको गूगल पे डालो, अश्वगंध के फायदा पता लगेगा। जी 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 बिल्कुल। मुसली सफेद लिखा है पता चलेगा, सालम मिश्री सालम पंजा, वो जब जब लोग पढ़ रहे हैं ना जी तो एजुकेट हो रहे हैं। अब जो खाली पेट कैप्सूल खाते हैं ना जी, छन 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 करने वाला, जिनको जलन पेट में गैस एसिडिटी के लिए सुबह सुबह लोग एक कैप्सूल खाते हैं, और ऐसे लोगों को हमने बोला कि भाई सुबह सुबह एक खीरा काट के अच्छे से तसल्ली से खा लो। अच्छा। 10 दिन खा लो, 11वें दिन आपको कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा। रियली? हाँ, खीरे में इतनी ताकत। हाँ, खीरे में। अब इतने लोग मतलब खाली पेट सवेरे उठ के ककड़ी खा लो। हाँ, ककड़ी भी बोलते हैं। हाँ, खीरा ककड़ी सेम, उसको खा लो तो उसको अच्छा, उसको लगाना कुछ नहीं, ना नमक ना मिर्च कुछ नहीं, छीलना और खाना है जो जैसे भगवान ने दिया। अच्छा। अगर नमक लगाना होता वो ना नमकीन बना देता, नींबू को भी तो काला नमक वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही खाना, चबा चबा के खाना, पानी बना दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 10-12 दिन के अंदर पेशेंट बोलता है कि सर वो कैप्सूल छूट गया, एसिडिटी खत्म होगी और फ्रेश रहने लग गए, पेट भी साफ हो रहा है, क्योंकि खीरे के अंदर सारी वो चीजें हैं। अब पहले हम उसको रगड़ते थे ना, उसका जहर निकालते, दूध निकला था, अब तो नहीं निकालते। हाँ, अब नहीं निकालते। हाँ, अब ऐसे खाया, हाँ, तभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। नहीं, खाओ नहीं, खाओ सर। अब वो दूध भी नहीं निकलता मेरे ख्याल से। निकलता है, निकाल लो तो सब निकलता। भगवान ने अपनी चीज नहीं बदली, उसकी तरफ से अगर नीम को निमोली लगती है तो निमोली, अगर मैंगो के पेड़ को कभी उसने सेब नहीं लगाया, वो मैंगो लगाया, उसने अपनी तरफ से पूरा। सर ये खीरा एसिड रिफ्लेक्स को भी यूजफुल होता है, एसिड रिफ्लेक्स में? बिल्कुल बिल्कुल, एसिड रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज है जो कभी ठीक ही नहीं होती। हाँ, उसमें बहुत फायदा करता है। और उसमें एक चीज और बड़ी, देखो कितना बड़ा सवाल निकल गया है आपका, मैं आपको बताऊं उसके अंदर कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो बिना दवाई के आप 1 महीना करोगे, बोलोगे कि थैंक यू गोयल साहब, ये आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज है, क्या है कि मूली। हाँ जी। मूली को लेना है, छिलका उतारना है। हाँ, उसको काट काट के छोटे पीस, नमक लगा के एक जाली वाले बर्तन में रख दो ताकि उसका पानी नीचे टपक जाए, टपक जाए, रात भर पड़ा रहने दो। पानी टपकाने का मतलब क्या है कि जो मूली खाने से गंदी गैस बनती है, लोगों को डकार आते हैं, वो पानी में टपक गया, वो एक औषध बन गई, प्योर औषध, मूली औषध, मूली औषध बन गई। सवेरे उसको पानी में ऐसे धो लो अच्छे से, धो के फिर उसमें कुछ नहीं लगाना। हाँ जी। जो नमक लगाना है रात को, वो सिंधा नमक लगाना है। हाँ, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं। हाँ जी। वो पिंक काला नमक, पिंक वाला, पिंक साल्ट, पिंक साल्ट। हाँ, जो जिसको पाकिस्तानी लाहौरी नमक भी बोलते हैं। हाँ जी। तो वो बनता भी लाहौर में ही है जी। अच्छा। और कहीं नहीं बनता। तो वो नमक जो लगता है, तो मूली का सारा पानी निकला, नमक के सारे जो मिनरल्स हैं वो उसमें आ गए। हाँ जी। तो उसको जब आप खाली पेट धो करके खाओगे सर, उसको 3-4 दिन खा लो, जिंदगी में एसिड रिफ्लेक्ट होना बंद। ओह सर, ये तो आप एक ऐसी चीज बोल रहे हैं जो आज के मॉडर्न साइंस के पास भी इलाज नहीं है, नहीं है। वो वॉल लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, पर वो वॉल भी फेल हो जाता है। करके देखो एक। नहीं नहीं सर, मैं जानता हूँ, जितने लोग भी सुन रहे हैं एक बार इसको करके देखो, अगर फायदा ना हुआ तो कमेंट में बोल देना, आगे कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लाखों लोगों के ऊपर अजमाई हुई बात है जो मैं इतनी शिद्दत से कह रहा हूँ। इसमें मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, कोई रुपया नहीं मांगा, आपके घर की चीजें घर पे बनाओ, ये ऐसी मतलब ये एक मतलब हमारी फ्री की सेवा, रामबाण इलाज करते हैं ये बजरंग बाण है जी। ओ, बजरंग बली जी का। अच्छा, क्या बात। जिसके ऊपर राम का हाथ है, उसका बाण है। मतलब ये काम की चीज है। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग बहुत समझदार हैं, सियाने हैं, और गरम गरम मतलब जैसे ठंडी बिल्कुल बर्फ डाल के शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, और उसके साथ गर्म 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 चिल्ली चिकन खाते हैं, तो फिर कहते हैं सुबह की एसिड हो गया। राइट राइट। तो वो तो होना ही है, होना ही है, करेक्ट बात है वो तो। अब मुझे कई पूछते हैं फिर गोयल साहब क्या करें, दारू को गर्म करके पिए क्या?
अच्छा मुझे ही बता दो क्या करना चाहिए। उसमें क्या करना है, सिंपल चीज है कि चलो मैं कहता हूँ शराब है, लोग पीते हैं, एकदम तो कोई मना नहीं किया जा सकता, बंद भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली 30 ml 60 ml जो मतलब एक नॉर्मल डोज है वो लेना। जी वो तो फिल्मों में हमने देखा है कि हाँ, पंजाब के हमारे सनी देओल साहब हैं। हाँ वो तो बाल्टी भर के, हाँ तो वो बाल्टी भर, बाल्टियों में अकेले शराब आते हैं फिल्मों में। फिल्मों में आपके अदरवाइज बात करो वो कहते हैं स्मेल भी नहीं, पीते नहीं, पीते नहीं है। तो मतलब ये नहीं है, शराब जो लोग पीते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके साथ नॉर्मल ले। जरूरी नहीं होता कि चिकन खाना है, पनीर खा लो भाई, पनीर को अच्छे से काट के नमक मिर्च लगा के खा लो, उसके साथ थोड़ा बहुत सैलड, वो भी बिना खीरे के, रात को खीरा नहीं खाना चाहिए तो वो बिना खीरे के सैलड वगैरह ले लो। अगर पनीर की बात करें तो पनीर कौन सा वेजिटेबल है, वो भी तो नॉन वेज है ना, मतलब आउट ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट है, तो पशु के पेट से एनिमल प्रोडक्ट है, तो वही से है। बस भगवान ने उसमें थोड़ी सी ये दीवार बना दी कि भाई इसको जो मतलब वैष्णव लोग हैं वो भी खा लें, खा सके ताकि उनको एनर्जी मिल जाए। येस, येस, तो ये सबके लिए है कि अगर आप चिकन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कुछ मांस खा रहे हैं, क्या पता उस बेचारे को कौन सी बीमारी थी, हाँ, हाँ, के पका दिया, बिल्कुल सही, तो वो सेल अपने अंदर भी डेवलप हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, आज की डेट में बताओ कितने लोग हैं जो डायबिटिक है और वो उनको कोई खानदानी नहीं है, नहीं है, वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया सर, बड़ी अर्ली एज में हो जाता है। घुटने कितने लोगों के खत्म हो रहे हैं, घुटने पे तो मैं आऊंगा, हाँ, मेरा भी अपना पर्सनल घुटना है, नहीं घुटनों पे नहीं लाना, घुटनों की बात करें। घुटनों पे तो आप बड़े बड़े हीरो को ले आते हो। सर आप मेरी दुकान बंद करा दोगे? नहीं, आपकी दुकान चलती उसी से। तो मतलब कहने का कि ये जो चीजें हैं ना जी, अपनी खान पान अगर एक बार थोड़ा लोग ध्यान दे ले, मैं तो कई बार कहता हूँ कि भी एक पैसा नहीं लेंगे भाई साहब, www.vadvan.com जो हमारी साइट है उस पे जाइए, अपने मन पसंद का वहां पे डाइट चार्ट अपना वो लिखिए कि मैं इस बीमारी में हूं, मुझे इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने घर में उसको खोल करके अपनी रसोई में चिपका लीजिए। अच्छा, उसको ध्यान रखिए क्या क्या करना है, और बहुत ही निचोड़ निकाल के 70-80 वैद हैं जी हमारे, जिनकी पूरी सलाह के बाद वो बनता है। ऐसे नहीं बनता कि सुभाष गोयल जैसा कोई भी उठा उसने बोल दिया सुबह सुबह ये खाओ वो खाओ, ऐसा नहीं बनता, वो प्रॉपरली बने हुए जी, साइंटिफिकली लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वो जो है सर, घुटने के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो अब जानते हैं 30-35 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मोस्टली एक्शन सीक्वेंसेस काफी करता रहता हूँ अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग भाषाओं में, सब हीरो आगे मुझे ही मारते रहते हैं। आप वही पे हो जी, थैंक यू थैंक यू। तो होता है कि एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत बार क्या होता है, मिसकैलकुलेशन हो जाते हैं, अभी हमसे हो गया, कभी फाइट डिपार्टमेंट से हो गया, कभी लैंडिंग गलत हो गई, अलग अलग किस्म की चीजें होती है। तो ऐसी एक बदकिस्मती थी कि एक दिन मेरे घुटने पे पूरा प्रेशर आ गया, मतलब ऊपर से गिरना था, ऐसे ऐसे गिरना चाहिए था, ऐसे हो गया, ऐसे होने से घुटने पे उल्टा असर आ गया। तो उतने सालों से मैं, मेरा बाया पांव का घुटना बहुत परेशान करता है, चढ़ने में, खेतों में दौड़ने में दौड़ नहीं पाता, प्लेन रास्ता हो वहां तकलीफ नहीं होती, पर जहां उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो गया वहां तकलीफ होती है। इसका कोई बाहर एलोपैथी में बोलिए या सर्जरी में बोलिए, कोई इलाज है नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, क्या आयुर्वेद में इस किस्म की तकलीफों का कोई? ये ना माइनर होता है, कई बार मसल पुल हो जाता है, कई बार कोई नर्व श्रिंक हो जाती है जी, होता कुछ नहीं है इतना बड़ा, ये ब्लड सर्कुलेशन की गेम होती है, जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा ड्राई होता है, इतनी सी ये गेम है। इसमें क्या होता है कि पहले तो पेशेंट जो है, चाहे आप ही हो, वो लापरवाही करता ही करता है, कभी कोई गोली खा के टाइम निकाल लिया, तेल मल लिया, कोई टीवी पे देख के मंगवा लिया, किसी दोस्त ने बता दिया, ऐसा होता है। साल 6 महीने तो वैसे निकालता है, और साल 6 महीने में वो बीमारी बद से बदतर हो ठीक होने के बजाय और खराब बढ़ जाती है, फिर वो जाता है किसी डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा सारा डॉक्टर, वो डॉक्टर जाते ही उसको 5-6 हजार रुपए का टेस्ट, बिल्कुल वो, फिर उसको लगता है अब मैं ठीक हूँ, उसको प्रॉपरली वो पेशेंट बना लेता है, फिर उसको महसूस कराता है कि मैं मरीज हूँ, पहले तू ये मान, फिर जब वो मान लेता है फिर उसको कहता है कि तेरे को हुआ तो कुछ नहीं ज्यादा इतना, ये गोलियां खाता रहा, फिर वो 6 महीने साल वो गोलियां खाता है, बराबर गोली खाते खाते फिर कहता है कि
नहीं ठीक नहीं होता, पेन हो रहा है, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, फिर वो कहते हैं ऑपरेशन कर देते हैं। बिल्कुल, जब वो ऑपरेशन करने को कहता है ना, फिर भागता है वहां से, जैसे किसी ने नाग लड़ा दिया, राइट, फिर भागता है कि अब तो मैं फंस गया, राइट, फिर वो ढूंढता कि वैद्य मिले कोई। हाँ जी, अगर वो पहले दिन ही वैद्य के पास चला गए होते तो वैद्य ने क्या करना था, यही मुसलियां मसलियां खिला करके उसको अश्वगंध वगैरह खिलानी थी, क्योंकि अश्वगंध से बड़ा कोई नरवाइन टॉनिक नहीं है, मुसली सफेद से बड़ा कोई मसल टॉनिक। अच्छा, हाँ, और शिलाजीत से बड़ा मसल के लिए तो हम सिर्फ वो प्रोटीन पाउडर पे ही रहते हैं, एक स्कूप डाल लो, दो स्कूप डाल लो, एक्सरसाइज करो, पहले पी लो बाद में पी लो, हमें पता ही नहीं सफेद मुसली। मैं कहता हूँ रावत जी, जो ये प्रोटीन बाहर से लेते हैं ना, हमारी बॉडी प्रोटीन बना रही है ना, हाँ जी, हमने जैसे ही बाहर से ले लिया, इसके अंदर इतना ईगो है, ये अपना बनाना बंद कर देगा, तुरंत बंद कर देगा, तो आपको वही लेना पड़ेगा। अच्छा, है ना? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, और दोबारा ये मानती भी नहीं, बनाती भी नहीं, आप जोर लगा लो। अरे बाप रे, ये क्योंकि इंसान से ज्यादा इंसान की बॉडी में ईगो है। अच्छा, बताओ। तो ये ऐसे करता है, तो तभी कोई कहते हैं ना मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, बड़े डब्बे लेके खाते रहते लोग, बस जी रहे हैं, जी रहे जी रहे। और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है कि हम बाहर से खाते हैं, मसल्स के लिए, अपने उसके जॉइंट के तो लिए। मछली वगैरह खाने से ये दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, अब खा के देखना। मैं आपको दूंगा, हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका नाम हमने दिया हुआ है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर में बहुत जी हमारी 40-45 जड़ी बूटियां हैं, यही जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, जो एज्ड हो चुके हैं या जो यंग एज में एज्ड हो चुके हैं, राइट राइट, दोनों ही है, दोनों ही है, उनको चाहिए। किसी को सांस फूल रहा है, थोड़ा भाग लिया, चल लिया, सांस फूल गया, तो ऐसे लोग आते हैं। हाँ जी, ठीक, तो मैं उनको गाजर खिला के कर लेता हूँ, लेकिन साथ में गोली देनी पड़ती है कि जो गोली खा तो इससे पहले गाजर खा लेना, तो वो गोली के चक्कर में गाजर खाता है। अच्छा, फायदा गाजर करती है। अच्छा, काम तो गाजर कर रही है, तो गोली, गोयल साहब ने गोली दी है, तो गाजर उसको लगता है 5 रुपए की गाजर, 100 रुपए की गोली, 105 रुपए सुबह सुबह नाश्ता हो गया, तो ठीक हो जाता है। राइट, मैं क्लियर हूँ अपनी बात पे, जो मेरी नहीं मानता है ना बात, वो फिर उसकी मानता है। ओहो, है, मैं आपकी बात मान लूं। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक ना मैं आपको बताऊं, आप रावत जी, मुझे लगता है कि आपने पहाड़ों में बहुत कुछ देखा होगा, बचपन गुजारा होगा। पहाड़ के अंदर एक पेड़ होता है लंबा सा, हाँ जी, वो पेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं, चील का पेड़। अच्छा, होता है, उस पेड़ की जड़ें पहाड़ में होती हैं। अच्छा, अंदर होती हैं। हाँ, कितनी आंधियां तूफान बारिश आती हैं, वो हिलता नहीं, खड़ा रहता है। अच्छा, पूरा इतना लंबा पेड़ खड़ा रहता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी ताकत बहुत है। अच्छा, और उसके अंदर वो छोटे छोटे वो लगा देते हैं, कुप्पियां सी लगी होती हैं, जिसमें वो उसका द्रव्य निकालते हैं पहाड़ के लोग, उसको वो गम बोलते हैं, उसकी पेड़ की गम, वो जो बहुत महंगी बिकती है। अच्छा, तो वो जो गम होती है ना, उसको हमने सर्च किया, हम उसके ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया, हमने उसको सर्च किया। एक तो था रिसर्च की बुक में पढ़ा, उसके उसको हमने दोबारा तैयार करके देखा कि ये चीज है, लोगों को दिया, ठीक है, नहीं, हमने उसको सर्च किया कि उसके उसका क्या हो सकता है। उसमें हमने बहुत काम किया जी, कम से कम 17-18 साल उस पर काम। अच्छा, जाकर के हम 2018 में कामयाब हुए थे। हम 1992 में लगे हुए, 2018 में उसमें जाके कामयाब हुए। वो बना काला गोंद। अच्छा, काला गोंद के नाम से मशहूर कर दिया उसको हमने, रजिस्टर्ड भी करवा दिया, बनवा भी दिया। अब काले गोंद से बना कैप्सूल। हाँ जी, कैप्सूल जो है वो घुटने का जो फ्लूइड है, हाँ जी, उसको मेल्ट करके बराबर कर देता है। अच्छा, घुटने में कभी फ्लूइड खत्म नहीं होता। अच्छा, ये अंदर ही रहता है, ये ना तो बाथरूम में जाता है, हाँ, ये बाथरूम में नहीं जाएगा, ये टॉयलेट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? वही कहते नहीं कि आपके जो मसल टियर हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, वो वही होता है। जब हम उसको देते हैं काला गोंद कैप्सूल खाने को, हाँ जी, और लगाने के लिए भी काला गोंद का ही बनाया गया है जेल, और काले गोंद का ही ऑयल बना, वर्ल्ड में पहली बार बना जी, काले गोंद का तेल और काले गोंद का जेल जी, जी। और जिसके ऊपर क्लिनिकल लैब टेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ हमने किया। अच्छा, तब जाकर के हमने इतनी शिद्दत से लोगों को बताया कि भैया अगर आपके घुटनों में गैप है, आपके डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, अभी करवाओ, एमरजेंसी है, तो आप उसको उसी समय स्टिल करके काला गोंद कैप्सूल जेल वगैरह 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके पास जाओ, तो वो खुद ही बोलेगा कि अभी रिकवरी है आपकी, ठीक हो रहे हो आप, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात, मतलब किसी सर्जन के मुंह से कहलवाना, हाँ जी, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी, मतलब ये काला गूंद जो है,
ये इसने कहलवा दिया और 2018 से आज तक हमारे से इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही, नहीं हो पा रही। और दुख इस बात का है कि लोगों ने अपने घुटनों को कितना खराब कर रखा है सिर्फ किस चीज से, खाना पीना। राइट, आप देखो जी कितने सड़कों के ऊपर बर्गर पिज्जा बिक रहा है। बिल्कुल जी, बंबई में तो आप बहुत ही हर कोने में। हाँ, जबकि उससे बेटर थे हमारे डोसा इडली सब बढ़िया, उसमें मोरिंगा वगैरह डाल के बनता है सांभर। हमारे पंजाब का खाना देखो बढ़िया शानदार, ऐसा शानदार, बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज बढ़िया थी। पता नहीं हम क्यों भटक गए कि हमने वो इतना मुंह खोल के फाड़ के खाना है उसको, छोटी छोटी बुर्कियां बना के खाओ, वही भगवान ने जो दिया उसको। लेकिन सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जैसे हम पहले गोंद के लड्डू खाते थे हर घर में, गोंद के लड्डू, या जो जो माँ बनने वाली होती है माँ बनने के बाद या पहले या बाद में भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे, अब वो प्रचलन तो रहा ही नहीं। उसमें सर 5 गोंद होते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी बात हुई रावत जी ने करी है, शायद आपके काम आ जाए, जिंदगी तो अभी भी वही है। उसमें 5 गोंद होते हैं, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिपल और गोंद नीम। हाँ, ये 5 जो गोंद है, जान डाल देते हैं जी शरीर में। अच्छा, पहले लेडीज 8-8 बच्चे पैदा कर देती थी, तब भी गट्टी गट्टी होती थी। आज एक बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो खुद ही जाके डॉक्टर नहीं, अगर हम तो वो करते हैं ना सेरोगेसी और बहुत सारी खुद तो होता ही नहीं कुछ। तो जैसे ये लड़के लोग भी हैं, इनका भी यही हाल है, इनको बोल दोगी लड्डू खाना है, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, चॉकलेट खा लेंगे, केला खा लेंगे। मतलब ये इनको बोल दो कि ये वाला शेक पी। साहब यकीन मानो कि आपकी भी एज के हिसाब से मैं बताऊं, मेरी एज के हिसाब से बताऊं कि हमने शायद 25-30 साल की उम्र तक चॉकलेट नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा, मतलब ऐसी पैटी शैटी नहीं खाई होंगी। हमने इमरती खाई है, इमरती खाई है। हाँ, इमरती खाई है। अगर सोडा भी पिया है तो उसमें नमक नमक मिला के बत्ता गोली वाला सोडा, वो छल्ले वाला टंग भर गया, वो पिए जो डाइजेशन को ठीक करते थे। लेकिन आजकल तो देखो ना क्या हो रहा है, तो आजकल क्या होता है कि आदमी गर्म गर्म खाना खाता है, खाना पौष्टिक भी नहीं है, कैलो की मैदे वाली चीजें खाता है। हम किसी को क्यों बदनाम करें, मैदे वाली चीज खा के ऊपर से क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, सारा काम खराब कर लेता है। पहले आप थे, हम थे, हम क्या करते थे, मक्की सरसों खाई, मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया, लस्सी पीते थे, क्या मजा आता था, लस्सी पीते थे, आनंद। आज भी बैठे हैं तंदुरुस्त, आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, मक्की और ज्वार की रोटी खाता हूं, खाते थे। बहुत बढ़िया, कोदरा भी डाला करो उसमें, कोदरा। हाँ, कोदरे का दलिया। अच्छा, कोदरा क्या होता है? कोदरा एक ज्वार की तरह, बाजरे की तरह ही एक औषध के रूप में। अच्छा, है जो इसका इतिहास है कि गुरु नानक देव जी ने एक रोटी में से निकला था खून, एक में से दूध निकला। हाँ, था। वो जो कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध। अच्छा, निकला। अच्छा, तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं। वाह, तो मतलब उसमें कितने तत्व बता गए गुरु महाराज अपने को, चाहे कैसे भी एग्जांपल दिया हो लेकिन सेट कर दिया कि कोदरा मोटा अनाज ही खाता हूं, वो जीवन है। हाँ, वो जीवन है। तो ऐसे करके अगर लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारियां ज्यादा आपको तंग करेंगी, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए, हम कहते थे कि 40-45 साल की उम्र तक लोग मेडिसिन के पास नहीं जाते, नहीं जाते। अब मेरे ख्याल से 40-45 साल में तो लाइन लगी रहती है, इतनी दवाइयां खा जाते हैं, शायद उतनी उन्होंने मिठाइयां या उतना खाना नहीं खाया होता। तो ये चीजें जो है ना रावत जी, ये अगर धीरे धीरे लोग इसकी तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया। अभी आयुर्वेद ने लोगों को इतना सिखा दिया। जी हाँ, कि हमारा समस्या क्या है कि गोयल के नाम का एक विश्वास है। जी, आपने जो इतने सालों की प्रैक्टिस की है, इतने सालों से लोगों की सेवाएं की हैं, लोगों की आपके ऊपर आशीर्वाद दिए हैं, बड़े बुजुर्गों ने जिनको तकलीफ हुई है, बहुत है। तो आप जो कह रहे हैं वो मैं भी मानने के लिए तैयार हो गया हूँ, पर दरअसल होता क्या है कि हर शहर में हर जगह ये सफेद मूसली खाओ, फिर शिलाजीत खाओ, फिर शिलाजीत का वो तार निकल रहा है, हम वहां गए, अगर मनाली गए तो वो तार निकाल निकाल के, गाड़ी के टायर है, रबड़ है कि गोंद है, क्या है, किसको पता, गाड़ी का टायर जलाओ, मार्केटिंग हो रही है। तो इसके वजह से भरोसा नहीं होता कि ये चीज सही हो। असली शिलाजीत है ना जी, आज की डेट में गोल्ड से भी महंगी है, स्वर्ण से महंगी है शिलाजीत। हम देते हैं, हमारे पास आते हैं सज्जन पुरुष जिनको ज्ञान है इस बात का, हमारे पास जो है वो 8,000 रुपए की एक तोला शिलाजीत। अच्छा, अरे बाप रे, एक तोला 10 ग्राम और उसकी गेहूं के दाने जितनी डोज है जी, अगर लेनी है। और इसकी पहचान बताऊं, वो तारवार नहीं होती, तारवार नहीं, इसका खसखस के दाने जितना। हाँ जी, छोटा से छोटा कण। हाँ, पानी में डाल दो, सब जाके फर्श पे चिपकेगा गिलास के,
गलेगा नहीं, नीचे लग जाएगा जाके और धीरे धीरे नीचे से उसकी तार बनेगी पानी में, खुद गुलेगा। अच्छा, अच्छा, उसको चम्मच नहीं देना, जरूरत नहीं, खुद गुलेगा। और जो होगी नकली उसको घोलना पड़ेगा ऐसे ठोक। इतनी सी पहचान है इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिलाजीत जो है ये इसके अंदर फुल्विक एसिड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो www.vaidwan.com अगर उस पर जाकर के आप ये चीजें लेते हो, सफेद मुसली है, सालब पंजा है और अश्वगंधा है, करक्यूमिन है, ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोरिंगा पाउडर है, बीट ग्रास पाउडर है, अगर उसके ऊपर वैद्यवान लिखा है तो ये समझ लो कि वो असली है, असली है। और ये समझ लो कि वो गोयल साहब का विश्वास है। और ये भी समझ लो कि उससे ऊपर कोई चीज है भी नहीं है। ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर तो भगवान है, लेकिन जमीन पे उससे ऊपर चीजें नहीं है जो हमने इतने सालों से ढूंढ ढूंढ के उनको तैयार करके दिया है। और उससे महंगी चीज भी कोई नहीं है, हमारी चीजों की कीमत है। मैं ये नहीं देता कि उठाया कि कुछ भी पीस के दे दिया। तो हमारी चीजें महंगी हैं वैद्यवान कंपनी की, और हमसे उनके ऑर्डर सप्लाई पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि जिनको पहचान है उसको वही लेता है, वही लेगा। हर एक के बस का रोग नहीं है, जिसको फायदा होगा उसने लेना ही लेना है। वो जिसने देसी घी की जलेबी खानी है जनाब, उसने देसी घी खानी है, उसको पता है कि ये फायदा करेगा। गोयल साहब, आपके साथ आज का प्रोग्राम में बहुत मजा आ गया। क्या बात, बहुत मजा आ गया। क्या बात, अब मुझे सफेद मूसली खानी है, शिलाजीत खाना है, अब आपको सारी चीजें देंगे। ये तो प्योर फॉर्म में आप ही दे पाएंगे, आपको देके भेजूंगा आज। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक ये सुन रहे होंगे, गोयल साहब का आजमाई हुई चीजें जरूर इस्तेमाल करके देखें, और जिस भी किस्म के आपको तकलीफें हैं इनके चैनल पे इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ये ही इज काइंड इनफ टू हेल्प। ये सिर्फ अमीरों के ही डॉक्टर नहीं है, साधारण लोगों के का भी इलाज करते हैं। तो मैं सबसे विनंती करूंगा कि एक बार जरूर कॉन्टैक्ट तो करिए, और कोशिश तो कीजिए कि गोयल साहब के क्लिनिक से निकली हुई चीजें आपको फायदा पहुंचाए। आज मैं आप सबसे यही कहने आया हूँ जी। थैंक यू सो मच गोयल साहब। रावत जी, बहुत अच्छा लगा आज, आप भी इतने यंग एनर्जेटिक हैं, और आपसे भी बहुत कुछ सीखा हमने और लोगों को भी आपने बहुत कुछ बताया। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ये सिर्फ अमीरों के ही वैद्य नहीं है, ये गरीबों के भी वैद्य है। हमारे अलग अलग गुरुद्वारा साहब में हमारे कैंप लगते हैं, उनमें हम जो दसवंध निकालते हैं दवाइयों का, वो उसमें जाके उन लोगों को देते हैं जो हमारी दवाइयां लेना चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनको देते हैं। और जो अफोर्ड कर पाते हैं उनको हम कहते हैं भाई 10 लोग हैं ऐसे पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तू कर सकता है, वो कर जाते हैं। हाँ। कि गोयल साहब हमारी तरफ से इनको दे दो, ऐसा बड़ा होता है। क्योंकि दिन में क्लिनिक के ऊपर 200-250 पेशेंट होता है जी, उसमें 10-12 ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प वो 200-250 लोग ही कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये मतलब हमारे क्लिनिक पे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और आप शो में आए, हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो का आप हिस्सा बने, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। सर, मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात है आज की इस चंडीगढ़ में आज आपके शो में आया, तो मुझे लग रहा है कि मैं करेक्ट जगह आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हो तो करेक्ट जगह पे ही। और इसके साथ ही हम आपका और सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।